किनारे गांव बसा हुआ होता है। फिर एक दिन उस गांव में लोगों की सिरकटी लाश के मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज सुबह कुएं के पास गांव वालों को एक सिरकटी लाश मिलती। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन गांव वालों का सिर कौन काट रहा है। फिर एक दिन रात होने पर मीना को पड़ोसी के चीखने की आवाज आती है। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो अपनी खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक चुड़ैल की पीठ दिखाई देती है। उसने हाथ में बहुत सारे गुब्बारे पकड़े होते हैं। वो सब गुब्बारे हवा में उड़ रहे होते हैं। उन गुब्बारों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो गुब्बारे नहीं इंसानों के सिर होते हैं। अरे मर गई रे, ये तो वही चुड़ैल है जो लोगों के सिर काट कर अपने साथ ले जा रही है। अजी जल्दी उठिए, वो देखिए, ये वही औरत है जो लोगों के सिर काट कर अपने साथ ले जाती है। अरे जल्दी आइए ना। फिर मांगो उठता है और खिड़की से झांक कर देखता है, लेकिन वो चुड़ैल अंधेरे में ओझल हो चुकी होती है। अरे क्या मीना, आधी रात को तुम्हें वहम हो रहा है, वहाँ तो कोई नहीं है। देखो मैं जानता हूँ, गांव में सर काटने की घटना बढ़ती जा रही है, इस वजह से तुम घबराई हुई हो, इसलिए यह नाप शनाप की बातें कर रही हो। चलो सोने चलो। इतनी रात गए, यूं खिड़की पर खड़ा होना सुरक्षित नहीं है। अजी नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये वही चुड़ैल है जो लोगों के सिर काट रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर सब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। वो मीना सब गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बताती है। फिर सब गांव वाले मीना की बताई हुई जगह पर जाते हैं जहां उसने रात को चुड़ैल को देखा था। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उन्हें खून की बूंदे और चुड़ैल के उल्टे पैरों के निशान मिलते हैं। अरे बाप रे, लगता है मीना सही कह रही थी। देखो भाइयों, ये उल्टे पैरों के निशान किसी आम इंसान के नहीं है, ये जरूर चुड़ैल के ही है। देखो भाइयों, ये बात तो पक्की है कि हमारे गांव पर अब एक चुड़ैल का साया है। जब तक हम इस चुड़ैल का कोई समाधान नहीं ढूंढ लेते, कोई भी व्यक्ति रात होने पर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर सब गांव वाले अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर रात होने पर एक शराबी अपने घर के बाहर खटिया डालकर शराब पी रहा होता है, तभी अचानक से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। मम्मी, ये किसकी आवाज है भाई? कौन है भाई, कौन मजाक कर रहा है? डराओ मत भाई, सामने आ जाओ, दोनों भाई साथ में बैठ कर पियेंगे। आ जाओ सामने आ जाओ। तभी वो चुड़ैल हाथ में लोगों के कटे सिर लेकर उसके सामने आ जाती है। आई मम्मी, ये तो सच में सर काटने वाली चुड़ैल है, ये तो सच में आ गई। अरे नाश मिट्टी चुड़ैल, ये लोगों के सिर को गुब्बारे समझ कर कहाँ घूमती फिर रही है। अब क्या करूँ, क्या करूँ? अरे दरवाजा खोल, देख तेरी अम्मा सच में आ गई। अरे दरवाजा खोल, अरे खोल दे। वो बहुत देर तक दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन सुमन गहरी नींद में सो रही होती है। अरे मर गया रे, अरे प्रियतम दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम विधवा हो जाओगी, ये खोलो दरवाजा। अरे कहाँ भाग रहा है, जरा मेरे पास तो आ। तभी सुमन की नींद खुलती है और वो दौड़ती हुई दरवाजे की ओर। फिर सुमन जैसे ही दरवाजा खोलती है, चमन झट से घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अरे नासमिटी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी, अपने पति को मरवाना चाहती थी क्यों? अजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई थी। फिर वो दोनों खिड़की से बाहर झांक कर उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। चुड़ैल वहीं उनके घर के बाहर खड़ी होती है। तभी उस चुड़ैल की नजर उस शराब की बोतल पर पड़ती है। अरे ये क्या चीज है? फिर चुड़ैल उस बोतल को उठाती है और पूरी शराब पी जाती है। अरे नहीं, ये नाश मिट्टी तो मेरी शराब की पूरी बोतल ही गटक गई। अरे वाह,
ये तो बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया। मैं कल फिर आऊंगी, मुझे ऐसी एक और बोतल चाहिए, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी, समझ गया तू? फिर इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। बाल बाल बच गए आज तो, शुक्र है भला चली। अजी मुझे लगता है इस चुड़ैल को भी आपकी तरह शराब की लत लग गई है, अब ये रोज यहाँ आएगी। फिर सुबह होने पर सुमन और चमन सभी गांव वालों को रात की घटना के बारे में बताते हैं। ठीक है, आने दो चुड़ैल को। फिर रात होने पर चमन अपने घर के बाहर मेज पर एक शराब की बोतल रख कर घर के अंदर भाग जाता है और सब गांव वाले अपने अपने घर की खिड़कियों से छुप छुप कर उस चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक शराबी चमन के घर के बाहर से गुजरता है, उसकी नज़र उस शराब की बोतल पर पड़ती है। मुफ्त की शराब देखकर वो खुश हो जाता है। अरे वाह, तो मजा आ गया, लगता है चमन भाई इस बोतल को यहाँ रख कर भूल गए हैं। बढ़िया है, शराब को यूं इंतजार करवाना ठीक नहीं है, चलो पार्टी हो जाए। फिर वो शराबी बोतल को उठाता है और पीने लगता है। अरे रुक दमभर शराबी, बोतल को नीचे रख, मुफ्त की शराब मिलते ही पीना शुरू, चल रख बोतल को वापस। अरे भाई मुझे लगा तुम बोतल रख कर भूल गए हो, कोई बात नहीं। लो, रख दी। तभी कुछ देर इंतजार करने पर अचानक से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है। अरे नीलम देखो कुत्ते रो रहे हैं, वो चुड़ैल जरूर यहीं कहीं है। तभी उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और कुछ ही देर में चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। उस शराब की बोतल को देखकर वो खुश हो जाती है। अरे वाह, ये गांव वाला तो अपने वादे का पक्का निकला, चलो दावत हो जाए। फिर वो चुड़ैल उस बोतल को उठाती है और एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाती है। अरे नहीं, कल तो इसका स्वाद बहुत बढ़िया था। तभी वो बोतल पीते ही चुड़ैल का शरीर अंदर से जलने लगता है, उसके कान और आंखों से आग निकलती है। अरे नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे गांव वाले तेरा नाश मिटे, ये तूने मुझे क्या पिला दिया? आह आह, अरे मर गई रे, ये मुझे क्या हो रहा है? तभी उस चुड़ैल को तड़पता देख सब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। यो चुड़ैल मजा आया, तूने ये क्या पिला दिया मुझे? बाहर की बात है, गांव से दूर जंगल की एक गुफा में एक औरत रहती थी। वह बहुत डरावनी शक्ल की थी। एक दिन वो कुछ गुब्बारे लेकर गांव में बेचने आती है। एक बच्चा अपने घर के बाहर बैठा हुआ होता है, उस गुब्बारे वाली को देखकर वो खुश हो जाता है और दौड़ता हुआ उसके पास आता है। आंटी आंटी, ये गुब्बारा कितने का है? अरे तुम्हारे लिए तो ये मुफ्त का है। सच में? मुझे इसके बदले में कोई पैसे नहीं देने होंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें इसके बदले में कोई पैसे नहीं देने। फिर वो औरत उस बच्चे को एक गुब्बारा पकड़ा कर चली जाती है। फिर वो अपने घर के पास गुब्बारे से खेलने लगता है और वो औरत वहाँ से चली जाती है। बच्चा गुब्बारे से खेलने लगता है, तभी अचानक से गुब्बारा उसे अपने साथ जमीन से ऊपर की ओर उठाने लगता है। अरे अरे, ये क्या, ये गुब्बारा मुझे अपने साथ ऊपर कैसे उड़ा सकता है? फिर देखते ही देखते अंशु 20 फीट हवा में ऊपर उठ जाता है। माँ, माँ मुझे बचाओ, माँ, ये गुब्बारा मुझे अपने साथ उड़ा कर ले जा रहा है, माँ, अरे कोई बचाओ, बचाओ। फिर देखते ही देखते वो गुब्बारा उसे अपने साथ उड़ा कर दूर जंगल में ले जाता है। अरे अंशु कहाँ गया? अभी तो यही गुब्बारे के साथ खेल रहा था, यही कहीं होगा, आ जाएगा। फिर जब शाम होने पर भी अंशु घर नहीं लौटता तो उसकी माँ इधर उधर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन किसी गांव वाले को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर अगला दिन होने पर वो गुब्बारे वाली औरत जंगल की गुफा से निकलती है और सीधा गाँव की ओर बढ़ जाती है। वहाँ उसे एक और बच्चा मिलता है, वो थोड़ा मोटा होता है। चुड़ैल उसे भी मुफ्त में एक गुब्बारा देकर चली जाती है। तभी देखते ही देखते वो भी हवा में ऊपर की ओर उड़ जाता है। ओए मम्मी, ये कमबख्त गुब्बारे ने तो मुझे हवा में ही उठा लिया, अब क्या करूं? यहाँ से नीचे गिरा तो
एक हो जाएगी। अरे माँ मुझे बचाओ, जल्दी बाहर आओ। तभी गोपू की माँ घर से बाहर आती है और गोपू को हवा में उड़ता देख हैरान हो जाती है। अरे कमबख्त, वो हवा में कहाँ उड़ता फिर रहा है, वहाँ से नीचे गिरा तो तेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। नीचे आ, जल्दी नीचे आ। माँ ये गुब्बारा मुझे उड़ाकर इतने ऊपर ले आया है, अब मैं नीचे कैसे आऊँ। तभी वो गुब्बारा उसे और हवा में ऊपर उठा लेता है। अरे कमबख्त गुब्बारे, मुझे नीचे उतार दे, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गया है, छोड़ मुझे। अरे गांव वालों जल्दी बाहर आओ, देखो वो गुब्बारा मेरे बेटे को हवा में उड़ाकर ले जा रहा है, कोई उसकी मदद करो। फिर गोपू की माँ की चीख पुकार सुनकर कुछ गांव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। सब ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है, ये गुब्बारा तो गोपू को अपने साथ हवा में उड़ा कर ले जा रहा है, चलो भाइयों हमें इसका पीछा करना होगा। फिर जब अंशु की माँ को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो भी गांव वालों के पीछे पीछे दौड़ पड़ती है और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने पर उसे गोपू हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अरे ये गोपू तो सच में हवा में उड़ रहा है, मेरा अंशु भी कल इसी तरह के गुब्बारे के साथ खेल रहा था, जरूर उसे भी गुब्बारा अपने साथ उड़ा कर ले गया होगा। फिर सब गांव वाले उस गुब्बारे का पीछा करते रहते हैं, लेकिन रास्ते में नदी आ जाने की वजह से वे लोग आगे नहीं जा पाते। गोपू, गोपू मेरे बेटे, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई उसकी मदद करो, वो गुब्बारा उसे जंगल की ओर ले जा रहा है। फिर सब गांव वाले हैरान परेशान होकर नदी के किनारे से गुब्बारे को दूर जाता हुआ देखते रहते हैं और वो गुब्बारा बादलों में कहीं गायब हो जाता है और उड़ता उड़ता सीधा उसी औरत की गुफा के अंदर चला जाता है। गोपू की मम्मी, कल अंशु के साथ भी यही हुआ है, मेरा बेटा भी कल से लापता है। आखिर ये माजरा क्या है भाई, आखिर ये गुब्बारे बच्चों को देख कौन रहा है, हमें पता लगाना होगा। फिर अगला दिन होने पर वो औरत फिर से गांव में आती है। कुछ गांव वाले पहले से ही उसकी राह देख रहे होते हैं, तभी वे सब उसे घेर लेते हैं। चोरी गुब्बारे वाली, तेरे गुब्बारे की वजह से ये बच्चे गायब हो रहे हैं, बता कौन है तू। तभी एक गांव वाला उसके सारे गुब्बारे छीन लेता है और दो गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब तू बचकर कहीं नहीं जा सकती। तभी वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है और एक खूंखार चुड़ैल बन जाती है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई, अरे रे भागो। फिर वे दोनों गांव वाले उसे छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं। तभी वो चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे अरे बच गए रे, मर गया रा, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे नासमित है, गुब्बारा मुझे कहाँ उड़ा कर ले जा रहा है, अरे मर गया रे, अरे कमबख्तो यूं ही देखते रहोगे या कुछ करोगे भी, अरे मर गया रे। फिर एक गांव वाला एक रस्सी लेकर आता है और उसकी ओर फेंकता है। राजू छट से रस्सी पकड़ लेता है, लेकिन तीन गांव वाले मिलकर भी उस रस्सी को नीचे की ओर नहीं खींच पाते और उसके साथ साथ हवा में उड़ने लगते हैं। अरे मर गया रे, इसने तो हमें भी अपने साथ साथ हवा में उड़ा लिया, अब क्या होगा भाई। आई मम्मी बचा लो, आज मैं नहीं बचने वाला, अरे मर गया रे। अरे दोस्तों पकड़े रहना, कोई भी रस्सी मत छोड़ना। फिर देखते देखते वे सब भी हवा में बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं। मम्मी अब कोई नहीं बचेगा भाई। उन गांव वालों की चीख पुकार सुनकर कुछ और गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भाइयों वो देखो, वो लोग तो गुब्बारे के साथ साथ हवा में उड़ते जा रहे हैं, अब की बार हमें इस गुब्बारे का पीछा करना ही होगा, अभी हम इस गुब्बारे का रहस्य जान पाएंगे। फिर वे गांव वाले भी हाथों में मशाल और लाठी लेकर उस गुब्बारे का पीछा करने लगते हैं। फिर कुछ देर में वह गुब्बारा उन्हें उड़ाता हुआ जंगल में बनी गुफा में ले जाता है और जमीन पर गिरा देता है। मेरी तो कमर ही टूट गई रे। वहाँ पहले से दोनों बच्चे एक पिंजरे में कैद होते हैं। अरे वो देखो, गोपू और अंशु तो यहीं पर हैं। अंकल जी हमें बचाओ, यहाँ रे।
हमें यहाँ से निकालो। तभी उन गांव वालों को डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वो गुब्बारे वाली चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। बहुत बढ़िया, आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। अब बहुत सारे इंसान इकट्ठा हो गए हैं, यही सही वक्त है, अब मैं तुम सबकी एक साथ बलि दूंगी। अरे मर गए रे, ये तो हमारी बलि देने की बात कर रही है भाई, अब क्या करें? भाई हम तो खाली हाथ हैं, हम इस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, अब क्या करें? फिर चुड़ैल उनकी ओर बढ़ने लगती है, तभी कुछ औरतों की आवाज आने लगती है। मारो 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 मारो, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मारो मारो, आज ये बच के नहीं जानी चाहिए, इसे जिंदा ही जला देंगे, आज इस चुड़ैल का आतंक खत्म करके ही रहेंगे। अरे मामा भाइयों, लगता है गांव वाले हमारा पीछा करने में सफल हो गए हैं। ए चुड़ैल वही रुक, तुझे अभी बताते हैं। फिर वो गांव वाले भी उस गुफा में घुस जाते हैं। चुड़ैल इतने सारे लोगों के हाथों में मशाल देखकर डर जाती है। अरे नहीं, तुम सब यहाँ कैसे पहुँच गए? दूर रहो, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल पीछे हटने लगती है और गांव वाले आगे बढ़ने लगते हैं। फिर चुड़ैल अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वे सब गांव वाले उन बच्चों को आजाद करवाते हैं और वापस गांव की ओर चल देते हैं, और इस तरह गुब्बारे वाली चुड़ैल का आतंक खत्म होता है।